हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो न्यू रिटर्न सिस्टम है जीएसटी का, उसमें आप क्रेडिट या डेबिट नोट की डिटेल्स को कैसे अपलोड करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अक्टूबर के बाद से, यानी जब आप अक्टूबर की रिटर्न फाइल करेंगे अक्टूबर 19 की, तो वहां से आपका न्यू रिटर्न सिस्टम एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी तक फिलहाल आप ओल्ड रिटर्न सिस्टम में ही अपनी डिटेल्स को अपलोड करते हैं, तो वहां पर जब आपका न्यू रिटर्न सिस्टम एप्लीकेबल हो जाएगा तो आप क्रेडिट या डेबिट नोट की डिटेल्स कैसे अपलोड करेंगे, आज मैं आपको यही बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक के हिसाब से आपको क्या पता था कि जो ओल्ड सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये था कि आप मल्टीपल इनवॉइस के अगेंस्ट में एक क्रेडिट या डेबिट नोट इशू नहीं कर सकते थे, ठीक है, और एक इनवॉइस के अगेंस्ट में मल्टीपल डेबिट या क्रेडिट नोट भी नहीं बना सकते थे। अभी तक का आपको सिस्टम ठीक से याद होगा कि न तो आप मल्टीपल इनवॉइस यानी एक साथ चार इनवॉइस के अगेंस्ट में एक क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते थे, ना ही डेबिट नोट इशू कर सकते थे, और ना ही एक इनवॉइस के अगेंस्ट में चार क्रेडिट नोट निकाल सकते थे। ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं था, क्योंकि आपको ओल्ड सिस्टम में क्या होता था वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ओल्ड सिस्टम में जब आप क्रेडिट नोट की डिटेल्स जीएसटी पोर्टल पे डालते थे तो आपसे वहां पर डॉक्यूमेंट नंबर पूछा जाता था कि किसके अगेंस्ट में, यानी किस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप ये डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। और एक बार आपने वो नंबर डाल दिया तो उसके बाद आप उस नंबर को लेते हुए फिर से डेबिट या क्रेडिट नोट नहीं बना सकते थे। और यहां पर जो मैंने बोला कि मल्टीपल इनवॉइस के अगेंस्ट में डेबिट या क्रेडिट नोट आप नहीं इशू कर सकते थे, इसका मतलब कि वहां पर आपको सिर्फ एक इनवॉइस नंबर डालने का ऑप्शन मिलता था, वहां पर आपको कई सारे इनवॉइस नंबर डालने का ऑप्शन नहीं मिलता था, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन जो ये न्यू सिस्टम है, न्यू रिटर्न सिस्टम है, इसमें आप मल्टीपल इनवॉइस के अगेंस्ट में एक डेबिट नोट या एक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। इसके अलावा एक इनवॉइस के अगेंस्ट में मल्टीपल क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि अमेंडमेंट हुआ था, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की, ये आपको एप्लीकेबल हो गई थी लॉ के अकॉर्डिंग 1 फरवरी 2019 को, वहां पर अमेंड कर दिया गया था इसे, लेकिन जीएसटी पोर्टल में इसे अमेंड नहीं किया गया था, जिसके कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन न्यू रिटर्न सिस्टम में ऐसा कर दिया गया है, यहां से वो जो डॉक्यूमेंट नंबर है कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप ये डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, उसे यहां से रिमूव कर दिया गया है न्यू रिटर्न सिस्टम से, वो मैं आपको अब दिखा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि जो न्यू रिटर्न सिस्टम है उसे ट्रायल वर्जन के रूप में ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया गया है। अभी तक आप ऑफलाइन मोड में यूज कर पा रहे थे, अब आप ऑनलाइन मोड में भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन होना होगा। लॉगिन होने के बाद आपको सर्विस टैब में जाना होगा। सर्विस टैब में जाने के बाद आपको रिटर्न का टैब मिलेगा, वहीं पर आपको न्यू रिटर्न का मिल जाएगा ऑनलाइन मोड, उसी में जाकर आपको ये सारी चीजें करके खुद से देख भी लेनी। अभी ये फिलहाल ट्रायल के रूप में आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर जैसे आप जीएसटी नंबर एंटर करेंगे उसके बाद आपकी पार्टी का नेम आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इनवॉइस की डिटेल डाल रहे हैं, डेबिट नोट की डिटेल डाल रहे हैं या क्रेडिट नोट की डिटेल, जबकि जो ओल्ड सिस्टम है उसमें अलग अलग टैब बने होते थे इसके लिए। यहां पर तीनों को एक ही कर दिया गया है, एक ही में मतलब डिटेल डालनी है, खाली आपको चूज करना है डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहां पर मानकर चलिए मैं क्रेडिट नोट चूज करता हूं। उसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है क्रेडिट नोट का नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। उसके बाद डेट, जिस डेट को मैंने इशू किया है, तो मानकर चलिए मैंने 10/9 को इशू किया है, मैं यहां पर कोई भी एक डेट डाल देता हूं, सिर्फ ट्रायल वर्जन के लिए ये है। उसके बाद डॉक्यूमेंट की वैल्यू क्या है, तो मानकर चलिए 50,000 रुपए या 5,000 रुपए। तो देखिए, यहां पर आपसे कोई भी जो अगेंस्ट डॉक्यूमेंट नंबर है उसकी डिटेल नहीं मांगी जा रही है कि आप किस इनवॉइस के अगेंस्ट में ये क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर करना है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बिहारी ले लेता हूं। उसके बाद यहां पर एक्शन के टैब पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप सारी डिटेल्स डाल सकते हैं, टैक्सेबल वैल्यू और एचएसएन कोड मैंडेटरी नहीं है, यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स या आईजीएसटी, जो भी हो आपके केस में, जैसे मेरे केस में तो बिहार चूज किया, तो यहां पर सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स ही एप्लीकेबल होगी, वो एंटर करने के बाद सेव डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर आपने देख लिया कि आप अब जब न्यू रिटर्न सिस्टम एप्लीकेबल हो जाएगा तो वहां पर आप किसी भी इनवॉइस के अगेंस्ट में कोई भी डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट क्या है। तो देखिए, मैं बता देता हूं कि क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट क्या है। जैसे कि ये हमारी फाइनेंशियल ईयर 19-20 चल रही है, मानकर चलिए इस ईयर में आपने किसी पार्टी को कोई इनवॉइस दी, कुछ सेल किया,
उसने कहा कि सर आपने जो इस इनवॉइस में रेट लगाया है वो ज्यादा लगा दिया है, जबकि हमसे बात कम की हुई थी, या डिस्काउंट आपने कम कर दिया है, हमें क्रेडिट नोट दीजिए। इसके अलावा कई और कारण भी हो सकते हैं क्रेडिट नोट के, जैसे सेल्स रिटर्न वगैरह। तो आपने उसे अगर इस साल के अंदर कभी भी क्रेडिट नोट दिया तो आप दे सकते हैं, यानी मार्च 20 तक, जैसे फाइनेंशियल ईयर 19-20 चलिए, 31 मार्च 20 तक आप कभी भी उसे क्रेडिट नोट दे सकते हैं। मानकर चलिए आप भूल गए, क्रेडिट नोट देना भूल गए, या किसी कारण से आपने इस फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट नोट नहीं दिया, तो भी आपके पास टाइम होता है फाइनेंशियल ईयर 2021 में सितंबर के, जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते हैं तब तक आपके पास टाइम होता है क्रेडिट नोट इशू करने का। इसके अलावा अगर मानकर चलिए सितंबर की रिटर्न फाइल करने से पहले ही आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 की एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, जिसे हम जीएसटी R9 बोलते हैं, तो उस कंडीशन में आपका वो टाइम लिमिट नहीं रहेगा। उस कंडीशन में आपकी एनुअल रिटर्न जब तक आप फाइल करेंगे वहां तक आप क्रेडिट नोट दे सकते हैं, यानी एनुअल रिटर्न फाइल करने तक आप क्रेडिट नोट दे सकते हैं या सितंबर की रिटर्न फाइल करने तक, दोनों में से जो डेट पहले आ जाएगी वहीं तक आपके पास टाइम लिमिट होती है क्रेडिट नोट इशू करने की। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि डेबिट नोट इशू करने की क्या टाइम लिमिट है, तो देखिए फ्रेंड्स, डेबिट नोट आप जब इशू करते हैं तो गवर्नमेंट को आप रिवेन्यू देते हैं, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ने कोई टाइम लिमिट नहीं बनाई है। आपको 2 साल बाद भी याद आता है कि आपको डेबिट नोट इशू करना चाहिए था, तो आप इशू करके गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ओल्ड सिस्टम में आपसे क्या क्या डिटेल मांगी जाती है। यहाँ पर आपसे जीएसटी नंबर मांगा जाता है रिसीवर का, उसका नेम आ जाएगा ऑटोमेटिक, उसके बाद डेबिट या क्रेडिट नोट का नंबर मांगा जाता है, उसके बाद डेबिट या क्रेडिट नोट की डेट मांगी जाती है, किस डेट को आपने इशू किया है, और साथ में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, किस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप ये क्रेडिट या डेबिट नोट इशू कर रहे हैं उसका नंबर, उसकी डेट मांगी जाती है। जबकि जो न्यू रिटर्न सिस्टम है उसमें आपसे ये दोनों डिटेल नहीं मांगी जा रही है, इसीलिए आप जो न्यू रिटर्न सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जब आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट की जो डिटेल्स अपलोड करेंगे वहां पर आप मल्टीपल इनवॉइस के अगेंस्ट में एक क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर सकते हैं, साथ में ही आप एक इनवॉइस के अगेंस्ट में मल्टीपल क्रेडिट नोट या डेबिट नोट भी इशू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।